हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं डिलीवरी के बाद वेट लूज़ करना कब शुरू करना चाहिए, किस तरीके से हम अपना वेट लूज़ कर सकते हैं ताकि एनर्जी भी बनी रहे और जो मोस्टली डिलीवरी के बाद बैक पेन होना, वीकनेस आनी, ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये भी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में नहीं आए। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता रही हूँ कि वेट लूज़ करना कब आप शुरू कर सकते हैं। तो जब आपके टांके जो होते हैं, स्टिचेस जो आए होते हैं, वो अगर ड्राई होकर उतर जाएँ, तब आप बड़े आराम से अपना जो वेट लूज़ करने का शुरू कर सकते हैं काम। तो उसके बाद आपको मैं बता रही हूँ एक ऐसा ड्रिंक जो आपने मॉर्निंग में पीना है और एक ऐसा पाउडर जो रात को सोते टाइम पीना है। उसको बनाना कैसे है वो बताएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सेफ़ है। आप सोचें कि मैं बच्चे को फीड करा रही हूँ तो मैं ले सकती हूँ या नहीं, कुछ ऐसी बात नहीं है, वो 100% आप ले सकते हैं। ये इतना बेनिफिशियल है कि अंदर की गंदगी भी निकाल देगा और कमर दर्द जैसी प्रॉब्लम भी दूर कर देगा। सबसे पहले एक चीज़ बता दूं कि आपने दिन में गुनगुना पानी ही पीना है, आपने ठंडा पानी नहीं पीना, नॉर्मल पानी भी नहीं पीना, और 40 दिन तक तो आपने अजवाइन वाला पानी ही पीना है और कोई पानी नहीं पीना। अजवाइन वाला पानी पीना है, वो भी गुनगुना। अब बात हो गई कि इस पूरे दिन में तो आप गुनगुना पानी पी रहे हैं, वो भी अजवाइन वाला, और सुबह जो आपने ड्रिंक तैयार करना है, आपके पास अजवाइन वाला पानी तो है ही, आपने एक गिलास अजवाइन वाला पानी लेना है, उसके अंदर आपने एक चम्मच अदरक का जूस मिक्स कर देना है, आधा चम्मच आपने इसमें नींबू का जूस मिक्स कर देना है और एक चम्मच हनी यानी कि शहद मिक्स करके इसको सुबह सुबह पीना है। ऐसे करने से बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, गंदगी होती है, वो साथ के साथ आपकी बॉडी से फ्लश आउट होती जाएगी, दूर होती जाएगी। इसके बाद आपने जब आपके जो टांके होते हैं वो ड्राई होकर उतर जाएं, तब आप वॉक शुरू कर दीजिए। शाम के टाइम कीजिए या सुबह के टाइम, जब भी आपको टाइम मिलता है आप वॉक ज़रूर कीजिएगा। एक्सरसाइज नहीं करनी, आपने वॉक ज़रूर करनी है। मैं ये नहीं कहती भागना है, वॉक, नॉर्मल वॉक कीजिए। आप अपने बच्चे को उठाइए, उसको भी फ्रेश एयर मिलेगी, आपको भी फ्रेश एयर मिलेगी, और वॉक ज़रूर कीजिएगा। 30 से 40 मिनट की वॉक आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपने अपनी डाइट में नॉर्मल रोटी और सब्जी लेनी है, बाहर का खाना नहीं खाना, ऑयली फूड नहीं खाना और नॉन वेज नहीं खाना। इसके अलावा आपने वात वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको भी आपने अवॉइड करना है। वात वाली चीज़ों में आती हैं जैसे राइस आ गए, मटर आ गए, बैंगन आ गए, इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ रात को ऐसा कौन सा पाउडर है जो आपने ज़रूर खाना है, जो कि कमजोरी को दूर करता है, कमर दर्द को दूर करता है। ये आपने 15 दिन के बाद लेना शुरू कर देना है। डिलीवरी के बाद आपने 100 ग्राम मेथी पाउडर लेना है, 40 ग्राम आपने अजवाइन पाउडर लेना है, 20 ग्राम आपने कलौंजी पाउडर लेना है। इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और मिक्स करके आधा चम्मच रात को सोते टाइम पानी के साथ ले लीजिए। लेकिन आपका खाना जब खाया हो वो एक घंटा हो चुका हो, जब आप सोने वाले हों, सोते टाइम ये पाउडर आपने लेकर सो जाना है। ये बॉडी के टॉक्सिन्स को दूर करता है और वेट लूज़ करने का बहुत ही बढ़िया सोर्स है। ये चीज़ कोई भी ले सकता है, किसी के लिए कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं करेगा। इसके साथ साथ बैक पेन हो या वीकनेस हो उसको भी ये दूर करता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपके काम की है, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।